अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम करौल और सुसमान में मलून खातून का किरदार निभाने वाली इस अदाकारा के बारे में जानते हैं कि आखिर इस अदाकारा ने अर्तगाल सीरीज में काम करने से इनकार क्यों किया और फिर आखिर करौल और सुसमान का हिस्सा कैसे बने, जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो का आगाज करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, करौल और सुसमान में मलून खातून का शानदार किरदार निभाने वाली इस खूबसूरत तुर्क अदाकारा का असल नाम यल्देज कारा तुकसाई है। साई एक मरूफ तुर्की हसीना मॉडल और अदाकारा है। 36 साल यल्देज जकम अप्रैल 1986 को तुर्की के सूबा इजमीर के शहर काशियाका में पैदा हुई। अदाकारा ने इजमीराक आर्ट सेंटर से 2 साल तक थिएटर की तालीम हासिल की। इसके बाद इसने मुजद्दिद किज़न आर्ट सेंटर से मजीद तालीम हासिल की। इसने सिनेमा टेक्निक और एक्टिंग की तालीम अफलातून फिल्म इंडस्ट्री से हासिल की। तुकसाई ने अपने कैरियर का आगाज 2004 में शुरू किया। कैरियर किरदार बलियू पुलिसमा टीवी सीरीज के एक मामूली से किरदार से शुरू करने वाली तुकसाई ने 17 वर्ष में वो कामयाबियां समेटी जिसकी वजह से इसे 3 बड़े आदमों की सबसे मशहूर सीरीज करौल और सुसमान में सबसे मरकजी किरदार के लिए मुंतखब किया गया। 2010 में अदाकारा को अपने कैरियर में कामयाबी उस वक्त मिली जब इसने मारूफ टीवी ड्रामा सीरियल ऑयल बिर यजीर जमान की भी मरकजी किरदार अदा किया। तुकसाई की अदाकारी को इतनी पजीराई मिली कि वो तुर्की इंडस्ट्री की हर दिल अजीज अदाकारा बन गई। 2014 में यदि गेजल आदम ने जोहरा के किरदार में भी खूब कमाल दिखाया। 2017 में तुकसाई ने सवास्की में मरकजी किरदार अदा किया जिसमें इसने बैरक तुकसाई के साथ एक्टिंग का मुजहरा और इसी के साथ रिलेशन में रही। तुकसाई ने कई ड्रामों और फिल्मों के अलावा मॉडलिंग में भी जौहर दिखाए हैं। वो एक इंतहाई बोल्ड मॉडल है। इंडस्ट्री में इस अदाकारा ने बहुत ही कम अरसे में बहुत शोहरत समेटी। इन सब कामयाबियों के बाद इसकी मकबूलियत देखते हुए मेहमत बोजदाग ने एटीवी की मरूफ सीरीज करौल और सुसमान में मलून खातून के किरदार के लिए मुंतखब किया जिसे इसने खुशी खुशी कबूल किया। नाज़रीन, जरा ये बताते हैं कि मेहमत बोजदाग ने तुकसाई को बहुत पहले ही अर्तगाल सीरीज के 4th सीजन में हलीमा सुल्तान की कमी को पूरा करने के लिए यल्देज कारा तुकसाई से राबता किया था। ताहम इस वक्त वो एक मकबूल ड्रामे में काम कर रही थी और दूसरा, अर्तगाल सीरीज को इस वक्त इतनी मकबूलियत नहीं मिली जिसकी वजह से ये सीरीज का हिस्सा न बन सकी। इस रोल के 5वें सीजन में हैंडी सराल को अबलेगी खातून के तौर पर पेश किया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।